और एक खबर यूपी के मथुरा से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव वृंदावन में पूरी तरह मस्ती में नजर आए। रंगजी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के बाद अखिलेश यादव बाहर खड़े ठेल पर पहुंच गए और चाट का आनंद लिया। इस दौरान उनके साथ द ब्रिज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण समेत कई सपा नेता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर में हादसे के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया और मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का मुआवजा देने की मांग की है। मुझे याद है कि लखनऊ के गोमती के रिवर फ्रंट के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपने दिया था और इसलिए वृंदावन में दिया था क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया में कम से कम यहाँ का रिवर फ्रंट बना होता है, लोगों को दिन रात में शाम एक जाने के स्थान पर मौका मिलता और इस शहर में कम से कम यमुना साहब बहती उसके लिए पहले ट्रेन बनाई और मुझे याद है गोवर्धन की परिक्रमा जो उस समय शुरू हुई थी वो अभी भी जितने उस तरीके से अच्छे तरीके से करनी थी वो अभी नहीं पूरी कर पाए। बरसाना में आपको रोप वे दिया गया था अभी तक नहीं पूरा हुआ है, अंडरग्राउंड बिजली की काम शुरू हो गया था, नाला बंद हो गए और अक्षय पात्र का खाना खाने के बाद मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह अक्षय पात्र की किचन बने उसके लिए बजट दे दिया था, वो भी सरकार ने काम रोक दिया। ये सरकार विकास कम कर रही है।